नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, गुजरात में एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई भाजपा, अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर किया पलटवार, कहा मुझे लगता है मनीष सिसोदिया केजरीवाल की हत्या करवाना चाहता है, इसलिए हर दूसरे महीने बीजेपी का नाम लेता है ताकि उस पर शक न जाए। पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का ट्वीट, अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री व जेल में बलात्कारी से दोस्ती व मसाज प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता व जनता गुस्से में है, इनके एमएलए पीटे भी है, दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा न हो, सजा न्यायालय ही दे। गुजरात के बावला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक, कम ऊंचाई पर उड़ रहा ड्रोन पीएम मोदी के मंच की ओर बड़ा, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का सनसनीखेज बयान, कहा उनकी पार्टी में भाजपा की कुछ स्लीपिंग सेल्स शामिल, उनका पूरा ध्यान कांग्रेस को हर तरीके से कमजोर करने पर, ये लोग कांग्रेस में ही रहकर हर उस व्यक्ति का चरित्र हनन करेंगे जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को बताया गद्दार, बोले कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पायलट का पलटवार, गहलोत साहब ने पहले भी मुझे नाकारा और गद्दार कहा है, उन्हें ऐसी सलाह कौन देता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी को बताया अमेजन पार्सल वापस न बुलाने पर आंदोलन की दी चेतावनी, कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया था पुराने दिनों का आदर्श। उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित थोक बाजार भागीरथ पैलेस में गुरुवार की शाम भीषण आग लग गई, आग को बुझाने के लिए दमकल की 40 गाड़ियां पहुंची, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 347 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5516 रह गई, संक्रमण से 3 की मौत। फीफा वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हराया, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने रोनाल्डो। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।